आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पार्कल सोसाइटी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के। वेलकम टू स्पार्कल सोसाइटी। स्पार्कल सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप और एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिससे आप रिमोटली आपके मोबाइल से आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप जो है आपके मोबाइल फ़ोन से, आप कहीं पर भी हो, आपके घर में जो कंप्यूटर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल और छोटा सा एक ऐप और सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से। तो चलिए हम देख लेते हैं इस सॉफ्टवेयर को। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप पहली बार ये इस चैनल पर अगर आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने अभी दो स्क्रीन्स हैं, एक जो है ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और दूसरी जगह पर जो स्क्रीन है ये हमारा मोबाइल जो है उसका स्क्रीन है। इस पर हमें एक एप्लीकेशन, मोबाइल पर हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है टीम व्यूअर। तो ये टीम व्यूअर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्लिक करके आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में डेस्कटॉप के लिए ये टीम व्यूअर 13 यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन दोनों की भी मैंने लिंक दी हुई है, तो आप चाहे तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो सबसे पहले मैं जो डेस्कटॉप पे है उस टीम व्यूअर को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में यहाँ पर मुझे एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे मेरी आईडी बताई है और साथ में एक पासवर्ड दिया गया है। ये टेम्प्रेरी पासवर्ड है, हर बार आप कनेक्ट डिसकनेक्ट करेंगे तो ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। साथ में अगर किसी को आपको अगर और भी कंट्रोल करना है तो वहाँ का उनका पार्टनर आईडी आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप किसी और कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम मोबाइल पे आते हैं तो ये मोबाइल पे मैंने स्टार्ट कर दिया। मोबाइल पे ये मैंने यहाँ से आईडी जो मेरे कंप्यूटर की है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप की हुई है। यहाँ पर टाइप करने के बाद में मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो मैं रिमोट कंट्रोल करूँ या तो मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करूँ। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल को मैंने ये क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा। अब यहाँ पर एक स्क्रीन आई है जो स्क्रीन बता रही है ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। तो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड में ये जो 4 डिजिट का पासवर्ड है ये हमें टाइप करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 3146 और ओके कर दिया है। तो देखिए ये ओके होते ही यहाँ पर मुझे जो ऑप्शंस आए हैं स्क्रीन पे, तो ये है, अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ क्लिक हो जाएगा टच करने से, अगर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन है, ड्रैग कैसे करना है वगैरह, तो ये आप बाद में अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू को क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में अभी ये मेरा पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट फॉर्म में, तो ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है, तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल मूव कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल और ये मैंने जूम आउट कर दिया, तो ये मेरी स्क्रीन है जो आप करेंटली देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये हाइड कर दिया टीम व्यूअर। अब यहाँ से मैं चाहे वो काम कर सकता हूँ, जैसे मैं मुझे माय कंप्यूटर ओपन करना है तो यहाँ पर माय कंप्यूटर ओपन हो गया। याद रखिए ये जो अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये मोबाइल से एक्सेस कर रहा हूँ और मोबाइल से ही मैं मेरे पीसी कंप्यूटर को यहाँ पर जो चाहे उस हिसाब से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पर स्टार्ट को क्लिक कर देता हूँ, मुझे मान के चलिए कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो मैंने यहाँ पर वर्ड ओपन कर दिया है, ये मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर चाहे तो मैं, यहाँ पर कीबोर्ड का पैटर्न है तो इस कीबोर्ड के थ्रू जो भी चाहे मैं वो टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं यहाँ पर क्लोज करके सेव कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे नो कर देता हूँ।
तो ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर दीजिए। मैं इसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। अगर मुझे क्लोज़ करना है तो मैं यहाँ पर क्रॉस को क्लिक कर देता हूँ, क्लोज़ कनेक्शन, क्लोज़ को कर दिया क्लिक, तो यहाँ पर ये मुझे आ गया है क्लोज़। अगर मुझे फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र को क्लिक करूँगा। फ़ाइल ट्रांसफ़र को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे फिर से पासवर्ड पूछा गया है, तो यहाँ पर पासवर्ड जो है मैं 3146 ये डाल देता हूँ इसमें, और ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से अभी मैं चाहिए उस ड्राइव को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर सी ड्राइव पे मुझे देखना है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यहाँ से मैं अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये मैंने सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखाया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये दोनों भी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। फिर से मैं आता हूँ मेरे वर्टिकल व्यू में। तो ये है एक ऐप, तो आप ज़रूर इसे इंस्टॉल कीजिए और एक्सेस करके देख लीजिए। ज़रूर आपको ये जो एप्लीकेशन है ये पसंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है स्पार्कल मल्टीपर्पज़ सर्विसेज का, इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।